जागरण जोश डॉट कॉम के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सौबान और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडिया पोस्ट रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में, जहां पर 4000 से ज़्यादा ग्रामीण डाक सेवक की नौकरियां निकाली गई हैं हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के लिए। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट के लिए हरियाणा, MP या फिर उत्तराखंड में। इस वीडियो में हम आगे बढ़ें और आपको पूरी जानकारी दें। आपको बता देते हैं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपको इस आर्टिकल का लिंक दे रखा है, आप वहां से भी इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं जाकर डायरेक्टली क्लिक करके। अगर आप हमारी वेबसाइट पर डायरेक्ट आकर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.jagranjosh.com पर भी ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सर्च ऑप्शन में जाकर आप टाइप करें इंडिया पोस्ट रिक्रूटमेंट 2020, आपको कई सारे आर्टिकल के लिंक नजर आएंगे, वहां पर आपको इस आर्टिकल का भी लिंक मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको देते हैं इस वीडियो में और जानकारी। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ये नोटिफिकेशन जारी की गई है 4166 वैकेंसीज के लिए। आपको ये बता देते हैं कि MP पोस्टल सर्किल के लिए 2834 वैकेंसीज हैं, उत्तराखंड पोस्टल सर्किल के लिए 724 वैकेंसीज हैं, बाकी की जो बची वैकेंसीज हैं वो हैं हरियाणा पोस्टल सर्किल के लिए और कुल मिला के 608 वैकेंसीज हैं। तो ये 4100 से आसपास जो है उसके वैकेंसीज हैं। आपको ये बता देते हैं कि ये जो इंडिया पोस्ट GDS ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक है वो एक्टिव रहेगा 7 जुलाई 2020 तक। तो देखिए, यहाँ पर हमने एक जॉब समरी भी आपको प्रोवाइड कराई हुई है, तो उसके बारे में आपको दिखा देते हैं यहाँ पर। तो नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दी गई है 4000 से ज़्यादा ग्रामीण डाक सेवक के लिए, और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस जो है इनकी जो वेबसाइट है apost.in, यहाँ पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट आपके फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन की सबमिशन की 7 जुलाई 2020 है। सिटी अल्मोड़ा है, स्टेट उत्तराखंड है, कंट्री इंडिया है, ऑर्गेनाइजेशन है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया पोस्ट, ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए सेकेंडरी। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि पूरी डिटेल से आपको बताते हैं कि ये रिक्रूटमेंट जो है वो ब्रांच पोस्टमास्टर BPM जिसे कहते हैं, असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर ABPM और डाक सेवक के लिए है। अब कैंडिडेट जो हैं वो अपनी वैकेंसीज के डिटेल्स जो है उसको चेक कर सकते हैं, सैलरी क्या होगी उसके बारे में पढ़ सकते हैं, और यहाँ पर भी हम आपको इस वीडियो में भी जानकारी दे रहे हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट डेट्स, कौन सी तिथियाँ आपको याद रखनी है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि कब से शुरुआत हो चुकी है, 8 जून 2020 से इसकी शुरुआत हो चुकी है। लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की और फी पेमेंट की क्या है, 7 जुलाई 2020, आपको इसको याद रखना है। इंडिया पोस्ट GDS वैकेंसी डिटेल्स, मध्य प्रदेश के लिए 2834 पोस्ट, उत्तराखंड के लिए 724 पोस्ट और हरियाणा के लिए 608 पोस्ट निकाली गई हैं। इंडिया पोस्ट GDS सैलरी क्या होगी उसके बारे में बात कर लें। मिनिमम TRCA जो है वो 4 आवर्स पर लेवल 1 इन TRCA स्लैब, BPM के लिए 12,000, ABPM और डाक सेवक के लिए 10,000। मिनिमम TRCA फॉर 5 आवर्स पर लेवल 2 इन TRCA स्लैब, BPM 14,500 और ABPM और डाक सेवक के लिए 12,000। इंडिया पोस्ट GDS एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में बात करते हैं। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड, 10वीं का पास सर्टिफिकेट होना चाहिए आपको, और साथ ही साथ आपके पासिंग मार्क्स होने चाहिए मैथमेटिक्स और लोकल लैंग्वेज जो है आप जहां भी रहते हैं वो, और इंग्लिश के साथ साथ आपको यहां पर पासिंग मार्क्स उसमें होने चाहिए। साथ ही साथ ये रिकॉग्नाइज किसी स्कूल से होना चाहिए, चाहे वो स्टेट हो या फिर सेंट्रल बोर्ड हो। यहां पर दोस्तों आपको बता दें कि कैंडिडेट जो है जो अप्लाई करना चाहते हैं उनको लोकल लैंग्वेज भी आनी चाहिए और उन्होंने 10वीं क्लास पास करी हुई होनी चाहिए। अब एज लिमिट क्या होनी चाहिए इसके बारे में आपको बता दें, तो एज लिमिट होनी चाहिए 18 से 40 साल के बीच में। यहां पर दोस्तों आपको बता दें कि एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उनको गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से, लेकिन यहां पर आपको बता दें कि EWS कैटेगरी के लिए कोई भी यहां पर नहीं दिया गया है रिलैक्सेशन। आपको बताते हैं कि प्रोसीजर क्या होगा, किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सिलेक्शन जो है वो कैंडिडेट्स का वो होगा मेरिट के बेसिस पर। अब किस तरह से अप्लाई करना है 2020 के के लिए आपको बता दें, जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं वो 8 जून से 7 जुलाई के बीच में ऑफिशियल वेबसाइट जो है उस पर स्टेप बाय स्टेप आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप वन क्या है, स्टेप वन पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, आपके पास अपना मोबाइल फोन होना चाहिए और आपका जो मोबाइल फोन होगा उस पर आपको एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। स्टेप टू क्या होगा, फी पेमेंट जो है UR OBC EWS मेल ट्रांसमैन नीड टू मेक फी पेमेंट इन केस ऑफ ऑनलाइन पेमेंट, आपको ऑनलाइन पेमेंट ही करना होगा फीस जमा करने के लिए।
आपको अगर कन्फर्मेशन नहीं रिसीव होती है आपके पैसे कटने की आपके बैंक अकाउंट से, तो आपको 72 घंटे के लिए वेट करना होगा, वो फिर आपका वापस एडजस्ट हो जाएगा, आपके बैंक अकाउंट में वापस पैसा आ जाएगा अगर नहीं आपका जमा हो पाया है। ऑफलाइन पेमेंट अगर आपको करना है तो आप हेड पोस्ट ऑफिस में जाकर की कर सकते हैं। स्टेप 3 क्या होगा, आपको अप्लाई करना होगा ऑनलाइन, उसके बाद अपनी एप्लीकेशन जो है उसको फिल करना होगा, अपने डॉक्यूमेंट जो हैं उनको अपलोड करना होगा, आपको अपने प्रेफरेंसेस को सबमिट करना होगा, कहाँ पे आप नौकरी करना चाहते हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया अलग अलग स्टेट में है तो वो आपको यहाँ पर देना होगा। साथ ही साथ आपको बता देते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी जो है वो क्या होगी इसके लिए, तो UR OBC EWS मेल ट्रांसमैन के लिए 100 रुपये है और SC ST फीमेल और ट्रांसवुमेन PWD के लिए नो फीस है, कोई भी फीस नहीं लगेगी। साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पर हमने कुछ हाइपर लिंक्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं जहाँ पर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको इंडिया पोस्ट MP सर्किल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन PDF चाहिए तो आप यहाँ पर जाएंगे, क्लिक करेंगे तो आपको ये पूरी यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी मध्य प्रदेश से रिलेटेड इस वैकेंसी के बारे में। PDF अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप PDF डाउनलोड कीजिए, ये यहाँ पर आपको रेड कलर का बटन दिख रहा है, इसको दबाइए, ये PDF आपके पास आपके सिस्टम में या फिर आपके मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप इसी तरह से उत्तराखंड के लिए करना चाहते हैं या फिर हरियाणा के लिए क्लियर करना चाहते हैं तो आपको हमने यहाँ पर हाइपरलिंक प्रोवाइड किए हुए हैं। साथ ही साथ अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक को यहाँ से देखना चाहते हैं तो आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपको ये जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको ले जाएगा, रिडायरेक्ट कर देगा, यहाँ पर आप डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी पूरी इंडिया पोस्ट रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में, जहाँ पर 4000 से ज़्यादा नौकरियाँ निकाली गई हैं ग्रामीण डाक सेवक के लिए। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे लिखकर ज़रूर पूछिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हम जवाब दें। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। जैसे ही कोई नौकरी की नोटिफिकेशन आती है वैसे ही हम आपके लिए वीडियो लेके आते हैं और आप तक पूरी जानकारी पहुँचाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यूँ ही देखते रहें जागरण जोश.com।